कामदेव पर विजय पाए थे। और आज यह नारद काम विजयी हो गया। यह प्रसंग मैं चल करके अपने परम हृदय श्री भगवान श्री हरि से बताऊंगा। परंतु रास्ते में कैलाश पर्वत पर होते हुए भोलेनाथ को यह समाचार सुना करके फिर आगे प्रस्थान करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण प्रसन्नता का विषय ही लेकर के आपके पास आया हूँ प्रभु। इस समय नारद अत्यंत प्रसन्न है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके प्रसन्नता का क्या कारण है? बताता हूँ प्रभु, यही प्रसंग सुनाने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ प्रभु। सुनिए, जय 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 कामारी हरि, जय शंकर महाराज। स्वामी हमने कर दिया विजय काम परिहार। अरे होना क्या था प्रभु, किसी समय पर आप कामजीत कहलाते थे, आज यह नारद भी कामजीत हो गया है प्रभु। इससे बढ़कर और कौन सी प्रसन्नता होगी? फिर क्या हुआ देवर्षि नारद? आपने कामदेव को विजय प्राप्त कर ली? हाँ प्रभु, मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हे देवर्षि नारद, यह कथा आप जो हमने सुनाए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह कथा आप श्री हरि विष्णु को न सुनाए। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। संबुद्धि उपदेश भी नहीं नारद नहीं तुहान, भरत बात करो सुनहु